नमस्कार बोलते तारे, आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। राशिफल एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आने वाले भविष्य के बारे में जाना जा सकता है और शुरुआत मेष राशि से करेंगे। यार दोस्तों के साथ पार्टी में आप खूब पैसे लुटा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। पारिवारिक समारोह में नए दोस्त बन सकते हैं, हालांकि अपने चयन में सावधानी बरतें। अगर आपके पास हालात से उबरने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति है तो कुछ भी असंभव नहीं है। और अब बात करेंगे वृष राशि। वैसे दिनचर्या के बावजूद सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन इसे हमेशा के लिए सच मानने की गलती ना करें। अपनी जिंदगी और सेहत का सम्मान करें। कोई चिट्ठी या ईमेल पूरे परिवार के लिए अच्छी खबर लाएगी। सावधान रहे क्योंकि कोई आपकी छवि धूमिल करने की कोशिश कर सकता है। अपनी कोशिशों को सही दिशा दे और आपको असाधारण कामयाबी से नवाजा जाएगा। और अब बात करते हैं मिथुन राशि की। अपने जीवन साथी के साथ पारिवारिक समस्या को साझा करें। एक दूसरे को फिर से भली भांति जानने के लिए थोड़ा और वक्त एक दूसरे के साथ बिताएं और खुद की स्नेही जोड़े की छवि को मजबूत करें। आपके बच्चे भी घर में खुशी और सुकून का माहौल महसूस कर सकेंगे। इससे आपको एक दूसरे के साथ व्यवहार में ज्यादा खुलापन और आजादी मिलेगी। और अब बात करते हैं कर्क राशि। परेशानियों के बारे में सोचते रहने और तिल का तार करने की आपकी आदत आपके नैतिक ताने बाने को कमजोर कर सकती है। आपके धन का संचय कैसा करना है यह हुनर आप सीख सकते हैं और इस हुनर को सीखकर आप अपना धन बचा सकते हैं। विवाह प्रस्ताव के लिए सही समय है क्योंकि आपका प्यार जीवन भर के साथ में बदल सकता है। और अब बात करते हैं सिंह राशि की। अपनी शारीरिक चुस्ती फुर्ती को बनाए रखने के लिए आप दिन खेलने में व्यतीत कर सकते हैं। आप धन से जुड़ी समस्या के कारण परेशान रह सकते हैं। इसके लिए आपको अपने किसी विश्वास पात्र से सलाह लेनी चाहिए। एक खुशनुमा और बढ़िया शाम के लिए आपका घर मेहमानों से भर सकता है। और अब बात करते हैं कन्या राशि। कुछ लोग सोच सकते हैं कि आप नया सीखने के लिए काफी उम्रदराज हो चुके हैं, लेकिन यह सच्चाई से बहुत दूर है। आप अपने तेज और सक्रिय दिमाग की वजह से कुछ भी आसानी से सीख सकते हैं। घर से बाहर बड़ों का आशीर्वाद लेकर निकले, इससे आपको धन लाभ हो सकता है। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। खुद को ज्यादा आशावादी बनने के लिए प्रेरित करें। इससे न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और व्यवहार लचीला होगा, बल्कि डर, ईर्ष्या और साथ ही नफरत जैसी नकारात्मक मनोभावों में भी कमी आएगी। निवेश करना कई बार आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। आपको यह बात समझ में आ सकती है क्योंकि किसी पुराने निवेश से आपको मुनाफा हो सकता है। और अब बात करते हैं धनु राशि की। भागम भाग भरे दिन के बावजूद आपकी सेहत पूरी तरह से दुरुस्त रहेगी। जिन लोगों ने किसी अनजान शख्स की सलाह पर कहीं निवेश किया था, उन्हें उस निवेश से फायदा होने की पूरी संभावना है। दोस्तों के साथ कुछ करते वक्त अपने हितों को अनदेखा ना करें। हो सकता है वे आपकी जरूरतों को ज्यादा गंभीरता से ना लें। आपको अपने प्रिय का एक अलग ही अंदाज देखने को मिल सकता है। और अब बात करते हैं मकर राशि की। इससे पहले कि नकारात्मक विचार मानसिक बीमारी का रूप ले, आप उन्हें खत्म कर दें। ऐसे आप किसी दान पुण्य के काम में सहभागिता के जरिए कर सकते हैं, जिससे आपको मानसिक संतोष मिलेगा। आप ऊर्जा से लबरेज रहेंगे और मुमकिन है कि अचानक अनदेखा मुनाफा भी मिले। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि के काम करने के लिए अच्छा दिन है। धन लाभ होने की संभावना तो बन रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप अपने गुस्सेल स्वभाव के कारण आप पैसा कमाने में सक्षम ना हो पाए। शाम को दोस्तों के साथ घूमे फिरे क्योंकि यह आपके लिए इस वक्त बहुत ही जरूरी है। और अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। आपका व्यक्तित्व इत्र की तरह महकेगा और आपको आकर्षित करेगा। भूलकर भी किसी को पैसा उधार ना दे और यदि देना जरूरी हो तो देने वाले से लिखित में ले ले, वो पैसा वापस कब करेगा। नई साझेदारी फलदायी रहेगी। आप उन लोगों के तरफ वादे का हाथ बढ़ाएंगे जो आपसे मदद की गुहार करेंगे। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।